आज की शाम की चौथी रिलीज। भाई अगर ऐसी बीवी नंबर वन हो तो भगवान बचाए। प्रेजेंटिंग जोड़ी नंबर वन स्टारिंग हु एल्स बट सौतन नंबर वन उर्वशी एंड भेजा प्राय नंबर वन शकील। दफा हो जाओ मनहूस। कहाँ रह गए थे तू? मैं कहाँ रहूंगा, मुझे कोई रहने देता है? ऑटो वाले से लड़ रहा था मैं। क्यों? अरे उसके ऑटो में बैठ के आया हूँ, किराया मांग रहा है। अरे तो ऑटो में बैठ के आओगे तो किराया तो मांगे गए ना। अच्छा मैं अकेला हूँ, वो खुद बैठ के नहीं है? जलील खुद तो आगे बैठ गया है, आगे से तो ऑटो तेज चलता है। 15 सेकंड मुझसे पहले पहुंचे हैं मनहूस। तुम ना गुस्से में बहुत प्यारे लगते हो। आज तुम इस साइड से बिल्कुल गुलशन ग्रोवर लग रहे हो। उस साइड से हाय अल्लाह प्रेम चोपड़ा लग रहे हो। सामने से तो हूबहू शक्ति कपूर लग रहे हो। आओ एक बात बता, तुम में तुम्हारी बाप वाली कोई क्वालिटी नहीं है क्या? मेरी इज्जत कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है? वो बेइज्जती में मुझे शक्ति कपूर याद आ गया। शक्ति कपूर क्या आदमी है, हर फिल्म में लड़कियां उठाता है। एक फिल्म में उसको जज बना दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ जज बन के क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑर्डर, अगर मुजरिम नहीं मिलता उसकी बहन को उठा के ले आओ। आज मैं बिल्कुल हीरोइन जैसे तैयार होके सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई। क्यों क्यों क्यों? चलो ना थिएटर में फिल्म देखने चलते हैं। चल भाई, लड़की के साथ कोई थिएटर में फिल्म देखता है क्या? वहाँ तो लाइट जाती नहीं है, पागलों की तरह फिल्म ही देखते रहो। मैं एक दफा गया था फिल्म देखने, अभी परसों जलील हो गया। क्यों? मैं जैसे सीटें बैठा ना, मेरे साथ एक 60 साल की बुढ़िया बैठ गई। क्या बात कर रहे हो, लाइट चली गई थी? मैं क्या उसकी 32 चोरी करके भागना था मुझे? अबे फिल्म शुरू हुई है, बुढ़िया ने कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। अच्छा? एक घूंट ले रख दे, फिर 15 मिनट फिल्म देखे, फिर एक घूंट ले रख दे, फिर आधा घंटे फिल्म देखे, फिर घूंट ले। मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा फिल्म खत्म हो रही, कोल्ड ड्रिंक खत्म नहीं हो रही। मैंने उठाया, मैं यूं पी गया। मैं कहा अम्मा ऐसे पीते हैं? कह रहे बेटा पी ली। मैं कहा हाँ बेटा। बेटा कहने लगी बेटा मैं तो इसमें पान की पीक थूक रही थी। तेजाब से कुल्लियाँ की है मैंने, आते निकाल के साबुन से धोई है मैंने, नफरत हो गई सहन में से। इसीलिए तो फिल्में नहीं देखते हो? नहीं, एक हजार है क्या? अबे हीरोइन जो है एक गाने में 5 मिनट के गाने में 17 ड्रेस चेंज कर लेती है। तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे है, मुझे वो जगह बताओ जहाँ बदलती है। मैं तो शूटिंग पे भी गया, वहाँ भी नहीं बदल रही है, चीटिंग है मेरे साथ। तुम्हारा कोई फेवरेट हीरो तो होगा? हाँ है ना, बता ना कौन। पाकीज़ा हीरो है। पाकीज़ा? पाक दामन शरीफ बच्चा। शरीफ बच्चा? बच्चा कौन? इमरान हाशमी, मेहनत कश फनकार, घर से भूखा पैसा जाता है शूटिंग पे, सीन में खा पी रहा होता है। अच्छा छोड़ो ये सब। हाँ आजकल फिल्मों के नाम तो देखो कैसे कैसे। हाँ। चीनी कम ले, करोड़ों की फिल्म बनाई, 4 बूंद चीनी नहीं डाल सकते थे उसमें, डायबिटीज के मरीज के लिए बनाई थी। फिल्मों के नाम बिगड़ गए हैं, जब है ना गरम मसाला, उसका तो भेजा फ्राई, अब चीनी कम, ये फिल्म चली गई है किचन में। अब जो फिल्म आएगी उसका नाम क्या होगा चीनी कम के बाद? गीत गाया टमाटरों ने, पराठे की हो गई सगाई, मेरा सालन उस पार है। किचन से निकल के चलेगी फिल्म बाथरूम में। हाँ। बाथरूम वाले नाम होंगे, क्या होगा? हम बाथ ले चुके सनम, मेरा साबुन आपके पास है, आओ मिलकर नहाए, एक हवा में दो नंगे। बाथरूम से निकल के चलेगी फिल्म टॉयलेट में, नाम क्या होगा? धूम 1-2 के बाद धूम धड़का। एक्शन फिल्म, बैठते ही एक्शन शुरू।
उसके बाद क्या नाम रखेंगे? ये किसका है करिश्मा? आओ मिलके भरें। किसमें कितना है दम? ऐसे नाम होते? अच्छा जाने दो ना, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसे नामों की फिल्म। मैं तो हॉलीवुड वाले पे तबाह हूँ। अरे तुम अब तक बॉलीवुड के पीछे पड़े थे, हॉलीवुड पहुँच गए हो। अबे वो भी तकरीबन जाहिल है। कैसी फिल्म बनाई उन्होंने, ऐसा लगा ऑफर दे रहे हैं। वो फिल्म का नाम नहीं सुन मैं? कौन सी? दी मम्मी। हमने भी बनाई। ले अब्बा। ले मामू। ले चाचा। उन्होंने फौरन बना ली द मम्मी रिटर्न्स। चले तो जलूस आ रहा भाई, हमें ऑफर करोगे अंग्रेजों हम बाज आएंगे। देखो मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाह रही हूँ कि अपनी हिंदी फिल्मों के नाम भी कुछ कम नहीं है। कौन से? वो कितनी अच्छी फिल्म थी, हम आपके दिल में रहते हैं। वहाँ बैठ के चरस पीती है। अजीब अजीब नाम होते हैं। जी नहीं, अच्छे अच्छे नाम होते हैं। कौन से? मोहब्बतें। हाँ ये शादी से पहले अच्छा लगता है, मोहब्बतें। हसीना मान जाएगी और प्यार करें। ये शादी से पहले, शादी के बाद हसर नसर हो जाता है। अरे जाओ जाओ यार। अच्छा चलो तुम शादी से पहले के नाम लो फिल्मी। अच्छा। मैं बताऊंगा शादी के बाद ये नाम क्या हो जाएंगे। ठीक है, शादी से पहले अगर तुम ना होते। शादी के बाद काश तुम ना ही होते। शादी से पहले मैंने प्यार किया। शादी के बाद ये मैंने क्या किया, कोई समझाने वाला भी नहीं था। शादी से पहले कुछ कुछ होता है। शादी के बाद हर साल होता है। अब तो रुक भी नहीं रहा। शादी से पहले चंद्रमुखी। शादी के बाद पति दुखी। शादी से पहले फिर वही दिल लाया हूँ जिसमें अटैक हुआ था। शादी से पहले यूं होता तो क्या होता, छोटा वाला गोद में होता, बड़ा वाला बाहर खेल रहा होता। मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, फिल्म कभी नहीं देखूंगी। मेरी बात तो सुनो जुओं की मलका। नंबर तो ले लो। जजेस इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहें। ये जूते में घुसी कैसे हो तुम? देखते हैं कि हमारे जजेस आपसे खुश हुए या नहीं। परफॉर्मेंस अर्चना एज यूजुअल बहुत अच्छा, लेकिन अब की बार मुझे लगा तुम्हारा मटेरियल उतना स्ट्रांग नहीं था जितना तुमने हमें आदत कर दी है अपने मटेरियल के बारे में। और शकील तुम, तुम्हारे जो इनहेरेंट जो एक ह्यूमर है वो कभी नहीं मर सकता, तुम तो ऑन द स्पॉट आई थिंक बनाते रहते हो। और उर्वशी यू आर गुड, बट आई थिंक पिछले एपिसोड का जो मुझे एक माइंड ब्लोइंग जो एक इम्प्रेशन है वो अब की बार मुझे नहीं मिला, बट इट इज स्टिल गुड, सो आई वुड स्टिल गिव यू 8 points। थैंक यू सतीश जी। उर्वशी एक बात कहूँ आपसे, आपका जरा लंग पावर इनिशियली बीच में भी जरा कम हो गया था, वॉइस थ्रो जिसे कहते हैं, उसकी वजह से कभी कभी डिप आता था शो में, तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इसलिए मैं आपको 8 points। थैंक यू जॉनी भाई। दीजिए ना क्या चाहिए। मैं आपको आपको 9 दूंगा। 9 points। थैंक यू रशी, थैंक यू शकील।